कोविड-19 के खतरे के कारण घोषित कर्फ्यू ने समाज के समक्ष अनेक चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। इन्हीं में से एक चुनौती है वृद्धावस्था। इस अवस्था में वृद्ध व्यक्ति अगर बीमार होता है तो कर्फ्यू संकट काल में उसे स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिल सकेंगी? लेकिन इस समस्या का हेल्प एज इंडिया द्वारा हल निकाला गया है और उनके घर द्वार पर ही उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ जरूरतमंद व्यक्तियों की आत्मीयता भरा सहारा भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि हेल्पेज इंडिया ने जिला प्रशासन सोलन से अनुमति लेकर शहर में 20 किलोमीटर के दायरे में सुबह 9:15 से लेकर शाम 5:15 तक जितने भी गांव हैं वहां सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हेल्पेज इंडिया शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धजनों को स्वास्थ्य परामर्श, आवश्यकता अनुसार निःशुल्क दवाई, होम डिलीवरी के तहत उपलब्ध करवाई जा रही है। होम एज इंडिया के स्वयंसेवी जरूरतमंद व्यक्तियों के घर पहुंचकर आवश्यकता अनुसार चिकित्सा परीक्षण भी सुनिश्चित कर रहे हैं। इस मौके पर गांववासियों ने कहा कि हेल्प एज इंडिया समाज में भलाई का सराहनीय काम कर रही है। जो व्यक्ति वृद्ध होने पर अस्पताल नहीं जा सकते उन्हें घर द्वार पर ही सभी सेवाएं दी जा रही हैं। परिवार में मेरी मम्मी बीपी और शुगर की दवाइयाँ खाती थी, पर लॉकडाउन की वजह से उनको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी। ना कहीं लॉकडाउन की वजह से ना कहीं जा सकते थे, ना कोई सुविधा थी जाने की। और इसके बीच में हेल्प एज इंडिया की टीम ने घर घर आके उनको दवाइयाँ दी, जिसकी वजह से अब मेरी मम्मी ठीक है। जो कि हमारे को यहाँ पर दवाइयाँ भिजवा रहे हैं और कोई सुविधा नहीं थी हमारे को आने जाने की, ना जा सकते थे ना आ सकते थे, और इनकी वजह से हम ठीक है अब।